नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप जंगड़ा, आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका शुभचिंतक। आज मैं बात कर रहा हूँ कि आप अपने मोबाइल से मेल कैसे भेज सकते हैं। कई मेरे दोस्तों कमेंट्स आए हैं, जैसे कंप्यूटर में तो आपको कंपोज का बटन दिख जाता है लेकिन मोबाइल में नहीं दिखता है। देखिए, यहाँ पे मोबाइल में यहाँ मेल का ऐसा एक सिंबल दिया होता है, जैसे ये स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, राइट साइड में नीचे हिल रहा है, ऐसे एम का सिंबल होता है, ये होता है मेल, जीमेल, जो गूगल से अटैच है। इस पर आप क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आपके सामने जीमेल का इनबॉक्स खुल जाएगा। जीमेल का इनबॉक्स खुलने के बाद आप इसमें देखोगे कि ये आपके जो आपके पास मैसेज आए हैं वो मैसेज हैं। तो यहाँ पे देखिए, राइट जो नीचे है, राइट साइड में नीचे की तरफ आपको एक रेड मार्क दिखेगा, जिसमें एक पेंसिल टाइप से मार्किंग आपको मिल जाएगी यहाँ पे। तो इस पर क्लिक कीजिएगा, क्लिक करते ही आपके सामने कंपोज जो विंडो है वो खुल जाएगी। इसमें फ्रॉम में आपकी ईमेल आईडी होगी और टू में सेवा में जिसे आप भेजना चाहते हैं। जैसे मैं यहाँ से मेल आईडी एक लिख लेता हूँ, ये ऐसे करके जीमेल आईडी मैंने लिख ली है। यहाँ पे मैं सब्जेक्ट, जैसे मेरे को डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे भेजने हैं, डॉक्यूमेंट्स मैंने अपना सब्जेक्ट रख लिया है। उसके बाद फिर भी कंपोज मेल में, जैसे मेरे को कुछ भी मैसेज में उन्हें लिखना होता है कि डियर सर, मैम, कुछ भी जैसे आप लिखना चाहें, डियर सर प्लीज चेक, डियर सर प्लीज चेक, ये मैंने ऐसे लिखा। उसके बाद देखिए, जो राइट यहाँ पे ऊपर की तरफ राइट में ये जो जगह है, यहाँ पे आपको तीन बिंदु दिख रही हैं, उसके बाद ये एरो का मार्क दिख रहा है, और उसके बाद ये जो है यहाँ पे, ये होता है अटैचमेंट। यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपको अटैच फाइल, इंसर्ट फ्रॉम ड्राइव, अटैच फाइल आप अपने अगर मोबाइल से करना चाहते हैं तो अटैच फाइल पे क्लिक कीजिए, और अगर इंसर्ट फ्रॉम ड्राइव से करना चाहे, गूगल ड्राइव से करना चाहते हैं तो इस पे क्लिक कीजिए। मेरे को करना है अटैच फाइल पे, अटैच फाइल मैं अपने मोबाइल से अटैच करूँगा, तो मोबाइल से अटैच करूँगा तो मैं अपने फाइल मैनेजर में जाता हूँ। फाइल मैनेजर में जाकर इंटरनल स्टोरेज में मैं अपना डॉक्यूमेंट्स का फोल्डर देखता हूँ। मेरे डाउनलोड में एक डॉक्यूमेंट्स है, इंस्टेंट सिंगल एंट्री पेमेंट समरी, ये मैंने भेजना है, तो मैं इस पर क्लिक करके इसे ओके करता हूँ। ओके करने के बाद मैं यहाँ पे जो देखिए, ऊपर जो मैंने राइट की तरफ तीन बिंदु बताए थे, बैटरी के सिंबल के नीचे तीन बिंदु हैं, उसके साइड में एक तीर का निशान है। इस तीर के निशान पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा, मेरी जो मेल है वन अनसेंड इन आउटबॉक्स, देखिए यहाँ से ये हट जाएगा और मेरी मेल चली जाएगी। सॉरी, मैं ऑफलाइन था तो मैं ऑनलाइन हो जाता हूँ। मेरा इंटरनेट ऑनलाइन था, अभी मैं ऑनलाइन हो गया हूँ। तो यहाँ से देखिए, मेरी जो मेल है यहाँ से चली जाएगी, जाने के बाद दे देखिए हट जाएगा। हटने के बाद यहाँ से एक मिनट, मैं अपना नेट बंद कर देता हूँ, मेरे पास मैसेज बहुत आते हैं। नेट मैंने कर दिया है, अभी मैं आपको बता रहा हूँ आगे कार्रवाई आगे क्या है। देखिए, यहाँ से अपना आल जैसे यहाँ क्लिक करेंगे, ये तीन जो डंडे आपको दिखाई देते हैं लेफ्ट की तरफ पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे सेंड पे क्लिक करेंगे हम। सेंड पे क्लिक करने के बाद देखेंगे कि ये देखिए, सबसे ऊपर जो मैंने लिखा था डॉग और प्लीज चेक, और यहाँ पे जो ये मेल मैंने किसको भेजी, यहाँ आप डिटेल देख सकते हैं, sandeep@gmail.com पे मैंने भेजा है, और ये डॉक्यूमेंट्स भेजा है। मैं यहाँ से इसको डाउनलोड कर सकता हूँ और देख सकता हूँ। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ आई होगी और आप मोबाइल से मेल करना सीख गए होंगे। तो वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
और अपने आप अपने वीडियो पे ना कमेंट शुरू करें दोस्तों। वीडियो आपको कैसी लगती है, कैसी नहीं लगती है, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स जरूर करें दोस्तों, और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।